जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। भाजपा महोबा महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कृतिका ने ली महिला मोर्चा की संगठनात्मक बैठक। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा डॉक्टर कृतिका अग्रवाल ने जिला महिला मोर्चा की बैठक ली। नव निर्वाचित महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर विभा पुरवार ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। डॉक्टर अग्रवाल ने अपने संबोधन में अधिक से अधिक महिलाओं को भाजपा संगठन से जुड़ने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि समाज में आधी हिस्सेदारी महिलाओं की है। मोदी सरकार एवं योगी सरकार में अपनी जन योजनाओं में अगर किसी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है तो महिलाओं का। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या मंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला सुरक्षा एवं विकास, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, उड़ान योजना आदि तमाम ऐसी योजनाएं जिनका सीधा फायदा महिलाओं को मिला है, जिससे उनको शिक्षा, रोजगार, आत्मनिर्भरता एवं प्रोत्साहन मिल सके। तीन तलाक पर कानून बनवाकर प्रधानमंत्री जी ने सदियों से चले आ रहे कलंक को धोया है, जिससे अल्पसंख्यक महिलाएं खुलकर जीवन जी सके। महोबा महिला मंडल हर जाति हर वर्ग से महिलाओं को लेकर अपनी कार्यकारिणी तैयार करे, जिससे महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल कायम हो। डॉक्टर विभा ने आई हुई सभी महिलाओं पर आभार व्यक्त किया। जिला अध्यक्ष जितेंद्र सेंगर ने कहा कि महोबा जिले की माताएं बहनें बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। निश्चित तौर पर यहां से कोई ना कोई सुषमा स्वराज उमा भारती पुनः निकलेगी। कार्यक्रम में सुनीता राजपूत, क्षेत्रीय मंत्री महिला मोर्चा दीपाली तिवारी, पुष्पा राजौरिया, पूर्व जिला महामंत्री सुधा चपरा, पुष्प राजवत, साधना तिवारी, मधु बरसरिया, कुसुम चंदेल, संध्या शुक्ला, आरती प्रजापति, कहकशा गणेशी, अनुरागी द्रौपदी वर्मा, शारदा राजौरिया, गीता सक्सेना, ज्योति चतुर्वेदी, कल्पना बॉर्नेरिया, शकुंतला शुक्ला आदि तीन दर्जन से अधिक महिलाओं ने बैठक में भाग लिया। चित्रकूट मंडल ब्यूरो चीफ शारदा राजौरिया के साथ शिवम राजौरिया की रिपोर्ट। जगत न्यूज 24 महोबा।